साल 2023 जो है इतना जबरदस्त रहा है, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स मूवीज की लाइन लगी है। और ऐसे में ही जब जेलर, जवान, गदर ने अपना जो है ब्लॉकबस्टर पूरी मूवीज जितना तहलका मचा रखा था, उसी के बीच एक जबरदस्त ट्रेलर भी आ गया है जिसको देख के आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी और आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या जवान, जेलर और गदर को भी ये मूवी पीछे छोड़ देगी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर लियो की, जो कि रिलीज हो चुका है और जबरदस्त एक्शन उसमें भी देखने को मिला है। एक ऐसी ही मुझे लगता है सोशल कुछ कहानी जैसे जवान की थी, वैसी कुछ कहानी दिख रही है। और एक बहुत कॉमन फैक्टर इसमें भी देखने को आपको मिलेगा जो जवान जैसा है, उसकी मैं बात करूंगा। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपके अंदर भी फिल्मी कीड़ा तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मुझसे मिलती रहेगी ढेर सारी फिल्मी अपडेट्स, ट्रेलर्स, रिव्यूज और बहुत कुछ। तो लियो का ट्रेलर देख करके मजा आ गया, क्योंकि एक्शन से भरपूर जिस चीज के लिए साउथ सिनेमा जाना जाता है, एक के बाद एक लगातार साउथ डायरेक्टर्स जो है कमाल मचाते जा रहे हैं। 2023 तो मुझे लगता है कि एकदम तहलकों से भरपूर है। इस बार दिवाली पे पटाखे नहीं, केवल फिल्मों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि लियो भी रिलीज हो रही है 19 अक्टूबर को और एक के बाद एक जबरदस्त मूवीज आ रही हैं। इसमें एक्शन ट्रेलर देखेंगे तो जबरदस्त एक्शन आपको दिखेगा और जो कैरेक्टर्स हैं इसके, उसके मतलब एक एक कैरेक्टर का आप लुक देखिए। संजय दत्त दिखेंगे आपको, लोकेश दिखेंगे और तलपति विजय, सबका लुक जबरदस्त है कि देख के ही आपको मूवी देखने का मन कर जाए कि क्या जबरदस्त लुक बना हुआ है। और एक जो कॉमन फैक्टर की मैं बात कर रहा था वो इसमें दिखेगा, क्योंकि जवान में भी बाप और बेटे का एक जो डबल रोल था वो था जवान के अंदर, और इसके अंदर भी दलपति विजय का दो रूप आपको देखने को मिलेगा। और ये क्लियर कैसे होता है, अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो उसके अंदर एक जगह विजय एक डायलॉग बोलते हैं कि अगर वो मेरी तरह दिखता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो इसका मतलब कि एक जो हीरो है, हीरो के चक्कर में जीरो पिटा जा रहा है, परेशान है उन लोगों से क्योंकि उसकी शक्ल वैसी है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जबरदस्त जो एक्ट, जो इसका ट्रेलर देख करके तो बहुत मजा आया, एक के बाद एक एक्शन है। स्टोरी कितनी दमदार होगी वो तो जब मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। तो इंतजार है मूवी रिलीज होने का। ओवरऑल ट्रेलर देख के मजा आया, तो लगता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेलर है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी बनेगी। वैसे ही साल बहुत जबरदस्त रहा है, अब मूवी आती है तो बात करते हैं। अगर आपने भी ट्रेलर देखा है तो अपना थॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में, आपको क्या लगता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।